हेलो पीपल, वेलकम टू द व्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अभी तक टाइटल देख के आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आपको इस व्लॉग में क्या देखने को मिलने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से प्लान किया इस ट्रिप पे जाने का। सो दिस ऑल स्टार्टेड विद सम रैंडम यूट्यूब वीडियो सजेशंस, बिकॉज एक टाइम पे मैं केदारनाथ ट्रैक को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा था ऑन यूट्यूब एंड बीइंग तुंगनाथ बीइंग वन ऑफ द पंच केदार, मुझे सडनली सजेशंस आने लगे फॉर तुंगनाथ एंड चंद्रशिला। एंड फॉर अ वीक और सो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी ऑफ ऑन दिस प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ इट्स माइथोलॉजिकल रेलिवेंस आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। और इतना वीडियोस देखने के बाद देयर वाज वन स्ट्रेंज थिंग दैट आई वाज इवन गेटिंग ड्रीम्स ऑफ दिस टेंपल। सो मेरा इंटरेस्ट उस लेवल पे जा चुका था एंड देन आई डिसाइडेड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। सो अब ये डिसाइड कर लेने के बाद कि अब तुंगनाथ तो जाना ही है, द नेक्स्ट चैलेंज वॉज टू सर्च फॉर अ कंपनी। और कंपनी के लिए मेरे एक फ्रेंड की अवेलेबिलिटी थी जो था वीरू, और वीरू को आप लोगों ने टीडी व्लॉग में भी देखा होगा। सो हम लोगों ने कलेक्टिवली ये डिसाइड किया कि एक ट्रैवल ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ी एक्सपर्टीज़ रहती है, बिकॉज़ दे गो टू दिस प्लेस क्वाइट ऑफन। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया। सो इस ट्रिप में हमारे साथ 15 और लोग थे, तो वी वर टोटल अराउंड 17 पीपल इन दिस ट्रिप। और इस ट्रैवल ग्रुप ने हम लोगों को अक्षरधाम दिल्ली से पिक किया इन ए टेम्पो ट्रैवलर। सो रात की उस आधी अधूरी नींद के साथ जब मॉर्निंग में हमारी आँख खुली तो ऑलरेडी 7 बज चुके थे, एंड 7 बजे हम पहुँच चुके थे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये था ये ब्यूटीफुल जगह जो आप लोग देख रहे हैं, दिस वॉज आर फर्स्ट हॉल्ट, जहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था ऑन द श्रीनगर रुद्रप्रयाग बाईपास, और यहाँ पे हम लोगों ने हॉट लिया था फॉर आर ब्रेकफास्ट। एक डेढ़ घंटे के हॉल्ट के बाद और एक बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ हम लोग निकल चुके थे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी ताला विलेज इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। तो अभी ड्यू टू द वेदर कंडीशंस, क्योंकि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे उससे 2-3 दिन पहले एक हैवी स्नोफॉल हुआ था, उस वजह से इट वाज नॉट डिसाइडेड वेदर कि हम लोग ताला विलेज में रहेंगे या फिर आर बेस कैंप्स विल बी एट चोपटा। तो जो भी था वो डिसाइड होने वाला था ताला विलेज पर जाके ही। और मीनवाइल हम लोगों को बहुत अच्छी यहाँ पर सीरीन व्यूज़ भी दिखे। सो फाइनली हम लोग अपनी आज की सेकंड डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। सेकंड हॉल्ट जो था हमारा वो था स्टॉप ऑफ कैफ़े ताला विलेज पे, और यहाँ पे रुकने का मेन मोटिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिकॉज कुछ डेंस स्नोफॉल हुआ था 2-3 दिन पहले ही। तो यहाँ पे डिसाइड करना था जो हमारे टूर गाइड्स थे उन्होंने कि वेदर चोपटा पे स्टे होगा या फिर स्टे यहीं पे होने वाला है। मीनवाइल हम लोगों को दिखी नीचे एक बहुत अच्छी सी रिवर जहाँ पे एक ब्रिज भी था, सो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। Finally we are here and bridge mast lag raha hai, dekhte hain thoda close se.
है, हम दो लोग जो हम लोग नोन है इस ट्रिप में, इसको आपने देखा हुआ हीरी वाले वीडियो में, आप मेरे को तो जानते ही हो भाई लोग। एक चोट हो गई है, चोट ये हो गई है कि जो मेन चोपटा में अकोमोडेशन है वो नहीं मिल रहा, बिकॉज वहाँ पे बहुत डेंस स्नो है। अपन लोग यही रहने वाले गाइस, दिन जो है ऑलमोस्ट ढल चुका है, सूरज वहाँ उस साइड ढल चुका है, एंड प्लान है आज इस रिवर के अलावा कुछ नहीं है। नाइट में कुछ ऐसे फन एक्टिविटीज़ होंगी, लाइक कुछ तो बोन फायर होगा, कुछ जैम सेशन होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कुछ नहीं है स्पेशल। थोड़ा सा रेस्ट किया हम लोगों ने, जितना भी जर्नी की थकान थी वो हटाई, एंड नाउ वी आर बैक। तो फिलहाल ये रिवर ही है जो मोस्ट एक्साइटिंग लग रही है, बिकॉज हिल्स ट्रैक करना इज नॉट एन ऑप्शन टुडे। तो दोबारा से आ चुके रिवर के साइड पे, हम थोड़ा सा लेट है, साथ वाले लोगों ने बोला था थोड़ा सा डीप जाने वाले हैं, सो लेट्स सी कहाँ पे जाके मिलते हैं उन लोगों से। फिलहाल तो हम दो ही हैं, और अच्छे देखो तो एक डिफरेंट रूट लेके अक्रॉस द ब्रिज आए हम लोग, एंड यहाँ पे हम लोग को मिल चुके हैं वो लोग जो वहाँ गए हुए बोरे देर वो देर, तो वहीं चलते हैं। एक मिनट लेते हैं भाई, सेल्फी भी लेते हैं। तो यहाँ पर भाई जंगल के बीच में हम लोगों को मिली नर्सरी, यहाँ पे ये बड़े पेड़ों के छोटे वर्जन्स, और आगे तो जंगल ही है बस, दैट्स इट। और जंगल में कितना अंदर जाने वाले हैं, क्या सरप्राइजेस है वो देखते हैं अभी। ये जो आगे बंदा जा रहा है ना, इस नेम इज आदर्श, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो कौन सी ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन से है, बट ही इज आवर ट्रिप कैप्टन। वापस आ गए हम लोगों ने, जंगल ट्रेल किया वहाँ पे, काफ़ी अंदर तक गए थे, एंड फ्रॉम देयर वी आर बैक और समवेयर ओवर हियर, वहाँ पे हम लोगों का स्टे है। मैं अपना कैंप दिखाऊँ तो माइन इज़ द लास्ट वन, वो लास्ट वन सर अपनी चल रही कुछ ऐसे ग्रुप एक्टिविटी, गेम का नाम है फायर इन द माउंटेन रन 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 सी, ये अपना ग्रुप है यहाँ पे। इधर कहीं से रास्ता है लेकिन सी यहाँ से जाएगा रास्ता, ठीक है, सी द स्नो, वो वहाँ पे काफ़ी डेंस स्नो है अगर आप देखोगे तो, स्पेशली एट दैट पैच है ना। तो कल एक्सपीरियंस करेंगे क्या रहता है, बाकी यहाँ तो हो चुका है सनसेट, ब्यूटीफुल वन। तमन्ना ये है कि भाई चंद्रशिला से सनसेट देख। सो एक अच्छी खासी लंबी वॉक के बाद हम लोग वापस से आ चुके थे स्टॉप ऑफ कैफ़े, सो दिस इज़ हाउ द कैफ़े वॉज लुकिंग फ्रॉम इनसाइड, कूल इंटीरियर। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत चिल किया, एंड बाय दैट टाइम ऑलरेडी देयर वाज डार्क, सो हम लोगों ने फिर बोन फायर सेटअप के लिए रिक्वेस्ट किया, बोन फायर सेटअप हो गया था, एंड देन थोड़ी बहुत चिट चैट्स एंड थोड़ा बहुत म्यूज़िक, उसी के साथ हम लोगों का बोन फायर भी फिनिश हो गया था, एंड वी मूव बैक टू द कैफ़े फॉर आर डिनर, एंड विद अ गुड मील वी एंडेड आर डे। गाइज आप लोगों ने अगर यहाँ तक का वीडियो देख लिया तो प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप इफ यू हैव लाइक द वीडियो फॉर व्हाटएवर रीजन, एंड सेकंड ब्लॉग के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल यट।